अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन वेलकम। सो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैं अपनी दोस्त की ढोलकी पर चढ़ती थी, उसके लिए मैंने मेकअप करने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। सो जिस तरह की सर्दियाँ आ गई और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो सबसे पहले मैं वेजलिन ले रही हूँ और उससे अपने फेस को करी हूँ मॉइस्चराइज। फेस मॉइस्चराइज होगा तो आपके फेस पे जो है वो ड्राई पैचेस नहीं बनेंगे, स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। और जिनकी ड्राई नहीं भी होती, सर्दियों में भी लाजमी होता है कि आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। तो वेजलिन लगाने के बाद मैं अपनी फाउंडेशन लगाऊंगी फेस पे। फाउंडेशन के लिए मैं दो फाउंडेशन को मिक्स करके लगाऊंगी। एक है क्रेलॉन की, क्रेलॉन की फाउंडेशन का शेड है FS45 और इसको मैं डायरेक्ट स्टिक से ही अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। आप कि अपनी मर्ज़ी है कि आप सिर्फ एक फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हैं कि दो से ही होता है कि एक स्टिक और फाउंडेशन हो जाती है और साथ एक लिक्विड फाउंडेशन, तो आपकी बेस बहुत अच्छी बन जाती है। सो क्रेलॉन की FS45 को मैं अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। अच्छा, ये जो स्टिक फाउंडेशन होती हैं ये ब्रश के कंपेरिजन में ज़्यादा ईजीली ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड हो जाती हैं। सेकेंड कोट होगा मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन का, जिसके लिए मैंने सिर्फ एक पंप लिया है और इसका शेड है शेड पेच। इसको डॉट फॉर्म में मैं सारे फेस पे एक दफ़ा अप्लाई कर लूँगी नेक पे एंड देन इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। आपने जो फाउंडेशन को ब्लेंड करना है आपने टैपिंग फॉर्म में करना है, अपने फेस पे रगड़ना नहीं है ब्यूटी ब्लेंडर को। अच्छे से ब्लेंड करें। आती है कंसीलर की, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल ज़्यादा एग्ज हैं तो आप प्रेफर करें कि आप एटलीस्ट एक हाई एंड जो है वो कंसीलर ले लें, ताकि जो इवेंट्स हो उस पर आपके ड्राई एरिया अच्छे से कवर हो जाए। मैं यहाँ पे टार्ट टेप शेप कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और उसको मैंने अपने अंडराइज के नीचे लगाया है और अपने फेस को हाइलाइट करने के लिए लगाया है। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ने के बाद इसको हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड। आपके जो वेडिंग के इवेंट्स होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी होती है फाउंडेशन। अगर आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस है तो आपका बाकी मेकअप ऑटोमेटिकली ही अच्छा लगने लग जाएगा। सो अपने फाउंडेशन पे अच्छा बेस पे अपना अच्छा टाइम इन्वेस्ट करें, उसको आराम से बनाएं, कोई जल्दी की बात नहीं है। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ पाउडर ग्लैमरस फेस का 03, इसका शेड है। इसको अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडर आई के नीचे लगाऊंगी, जो हमने कंसीलर लगाया उसको सेट करने के लिए, ताकि वो लॉक हो जाए और अंडर आई के नीचे जो लाइंस होती है उस पर क्रीसिंग मत हो। दोनों आईज़ के नीचे लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसको जो अपर लिप का एरिया होता है जहाँ पर हमें स्वेटिंग का इशू हो सकता है, तो वहाँ पर इसको सेट करूँगी। पाउडर से होगा कि आपकी फाउंडेशन जो है वो अच्छे से लॉक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बेकिंग नहीं करनी, बहुत लाइटली पाउडर लगाना है। अब आईब्रो ब्रश पे मैंने लिए डार्क ब्राउन आई शेडो मॉर्फी की पैलेट से, और उससे मैं अपने आईब्रोज़ को बना रही हूँ। आईब्रोज जो होते हैं वो आप ऊपर से अपने फिलिंग करते हैं, नीचे वाली तरफ से नहीं करते हैं, ऊपर से ज़रा नेचुरल लगते हैं। अगर आप नीचे से हल्की सी आउटलाइन देना चाहते हैं उसको शेप ले तो आप दे लें, बहुत ही लाइट हैंड के साथ, कि बहुत ज़्यादा डार्क मत हो जाए फ्रेंड्स। मैं आईब्रो जेल ले रही हूँ और जो लगाया था मैंने पाउडर आईब्रो पे उसको मैं जो है वो सेट कर दूँगी आईब्रो जेल से। एक तो हेयर जो होते हैं वो ऊपर की तरफ भी चले जाते हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं। ये कंपल्सरी स्टेप नहीं है, आप सिंपल पुली लेके भी उसको आराम से अपने बालों को सेट कर सकते हैं आईब्रो के। ले रही हूँ एलिकल का प्रो कंसीलर। आप सिंपल कोई फाउंडेशन भी ले सकते हैं एक एंगुलर ब्रश पे, और अपने आईब्रोज को क्लीन कर रही हूँ, एक आउटलाइन दे रही हूँ ताकि बहुत प्रोमिनेंट लुक आए इनसे। जो हमारे पास आईब्रो की लाइन है ऑलरेडी एक्सिस्ट करी आउटलाइन, उसी पे हमने इसको लाइन ड्रॉ करनी है दोनों आईब्रोज पर, फिर हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरह जो हमारे आईब्रोज हैं बहुत प्रोमिनेंट और नीट लगेंगे। उसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि फिर हम अपनी आईलिड को प्रिपेयर हमारी हो जाएगी अपने आई शेडोज के लिए। उसके बाद मैंने बहुत ही लाइट सा ब्रॉन्जर लिया था अपने ब्रश पे और उससे मैं चिक बोन्स को हल्का सा हल्का ब्रॉन्ज करी। मैं कंटूरिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हल्का सा ब्रॉन्ज दे रही हूँ फाउंडेशन को वार्म्थ लुक देने के लिए। अब मैं लगाऊंगी फेस पे ब्लश। ब्लश के लिए मैं लिया एलिजन ब्यूटी का लिप एंड चीक टेंट। इससे ये होगा कि सबसे पहले मैं लिक्विड ब्रश लगाऊंगी, ये लॉन्ग लास्टिंग है इसलिए सबसे पहले मैं इसका कोट लगाती हूँ और उसके बाद मैं पाउडर ब्रश से सेट करती हूँ इसको।
इसको मैं लगाऊंगी दोनों चीक्स पे, आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह की चीक्स चाहिए। मुझे फुलर लुक चाहिए थी अपनी चीक्स की, तो मैंने एप्पल ऑफ द चीक्स से स्टार्ट किया है। तो हमारे फेस मेकअप ऑलमोस्ट डन है, अब सिर्फ आइस की बारी आती है। आइस के लिए सबसे पहले मैं बिल्कुल जो है वो लाइट ब्राउन सा, बेसिकली वो उसको आप ट्रांसलूसेंट पाउडर जैसे शेडी कह लें, वो लगाऊंगी अपनी दोनों आईलेट्स पे। उससे सबसे पहले अपनी आईलेट्स को सेट करूंगी। ये मेरा स्टार्टिंग शेडो होता है, मैं जो मर्जी आईलुक करने लगूँ उसके लिए। अब मैं हल्का सा डार्क ब्राउन शेड दूँगी, उससे हल्का सा, मतलब डार्क ब्राउन नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा डार्क है। अब मैंने वो सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पे हल्का हल्का लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शार्प आई शेडोज नहीं चाहिए, लाइट सा है। अब इनर जो आईलिड्स हैं उस पर मैं पाउडर दोबारा लगा रही हूँ, कि यहाँ पर मैं हल्का सा ग्लिटर लगाऊँगी। क्योंकि लेंसेस लगे हुए हैं, लैशेस लगी होंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा ढोलकी के हिसाब से जो है वो आई मेकअप को डार्क नहीं चाहती हूँ। अब यहाँ पे मैंने स्पार्क ग्लिटर लिया अपने ब्रश पे, और इनर जो लिड्स है हमारी जहाँ पे पाउडर से सेट किया था वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं इसको लगा रही हूँ, ताकि हमारी आईज़ पे स्पार्क का लुक है। रात का इवेंट था तो ग्लिटर अगर आपको लाजमी, मतलब अगर आप लगाएं रात के इवेंट में तो आपकी आईज़ बहुत खूबसूरत लगती हैं। सो प्रेफर किया करें अगर आप रात के इवेंट पर जाएँ तो थोड़ा सा स्पार्क अपनी आई लिड्स पर। मैं यहाँ पर लिया है, मैंने एक्वा का जेल आई लाइनर लिया है और आई लाइनर ब्रश लिया है। मैं थोड़ी सी वैसलीन जो है वो यूज़ करूँगी इसको स्मूथ आई लाइनर पेस्ट बनाने के लिए, वाटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। वैसलीन ज़्यादा इजीली आपका जो आईलाइनर है वो स्मूथली आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ थोड़ी सी वैसलीन ली और इसको मैं स्मूथली जो है वो अपनी आईज़ पे एप्लीकेशन करने के लिए तैयार कर रही हूँ। फिर मुझे बताओ कि मैंने लैशेस लगानी है तो मैं उसके लिए बोल्ड आईलाइनर लग सकती हूँ, क्योंकि जब लैशेस लग जाती हैं तो ओवरऑल आई लुक बहुत खूबसूरत आती है। सबसे पहले आउटर विंग लगा रही हूँ एंड देन उसको आगे से आईलाइनर लगा के उसके साथ कनेक्ट करूँगी। सो आईलाइनर लग चुका है, अब मैं अपने आईब्रो बोन जो है उसको हाईलाइट करूँगी वेट एंड वाइल्ड के हाईलाइटर के साथ, दोनों आईब्रो बोन को, दोनों आईज़ की, एंड देन इनर कॉर्नर्स को भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करूँगी। अब मैं कर रही हूँ आईलैशेस को कर्ल्स, उसके बाद हल्का हल्का मस्कारा लगाऊंगी एंड देन हम लगाएंगे आईलैशेस। लगानी है क्योंकि हमने वो एंड पे लगाऊंगी मैम, यहाँ आईलैशेस कर्ल कर रही हूँ एंड देन मस्कारा लगाऊंगी। मैंने हल्का सा लिया है ब्राउन आई शेड और उसको लोअर आईलेट जो हमारे पास है वहाँ पे भी, लोअर लैश लाइन जो है वहाँ पे भी हमने लगा लिया है। अब मस्कारा ले रही हूँ और मैं अपनी आईलैशेस को पर मस्कारा लगाऊंगी। बात ये लिप्स की बारी, लिप्स को सबसे पहले लिप लाइन करूँगी मैं लिप लाइनर के साथ, कि स्टेप बाय स्टेप आप मेकअप करते जाएंगे तो ये बहुत ही ईजीली आराम से आप ये लुक अचीव कर सकते हैं। लिप लाइन करने से आपके लिप्स अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्राउन सा लिप लाइनर लिया है जो कि मैंने रैंडमली लोकल मार्केट से लिया था, इसकी कोई ब्रांड नहीं है। अब मैं ले रही हूँ वैसलीन और अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने लगाना है मैट लिप ग्लॉस ताकि मेरे लिप्स जो है वो ड्राई मत हों। सबसे पहले मैंने एक बहुत न्यूड लिप ग्लॉस लिया और उसको अपने पूरे लिप्स पर लगा लिया है रिवाज का, एंड देन जो मैंने लिक्विड ब्रश लगाया था अब उसको मैं सेट कर रही हूँ पाउडर ब्रश के साथ, इसके लिए मैं मिस रोज़ का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मैंने जो मैट लिप ग्लॉस लगाया था वो ड्राई हो गया, उसके बाद ये मैं मिस रोज़ की पिंक शेड में लिपस्टिक है इसको लगा रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी, मैंने इसको लगाया है बट जो है मुझे अभी भी लिपस्टिक वो पसंद नहीं आई जैसी मैं चाहती थी, मुझे थोड़ा सा डार्क से कलर चाहिए था, तो वो मैं आगे लगाऊंगी दोबारा से। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसके बाद ले लिया जी क्रीम हाईलाइटर, उसके बाद मैं इसको पाउडर हाईलाइटर से सेट करूँगी तो हमारे हाईलाइटर बहुत अच्छा इन पर रिजल्ट देगा हमें। इसको मैंने नोज़ पर लगाया, चीक बोन्स पर लगाया, चिन पर लगाया,
यही हालत है, मैंने लोकल बाज़ार से लिया था, लोकली आप उसका कैप भी गायब है, टूट पूरी हालत में, लेकिन बस चला रही हूँ उसको मैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हाइलाइटर लगा के। इस तरह के क्रीम हाइलाइटर्स आपको इजीली लोकल मार्केट से मिल जाएंगे, इस तरह के हाइलाइटर के शेड्स। क्रीम हाइलाइटर लगाने के बाद अब मैं जो है वो पाउडर हाइलाइटर लगा रही हूँ, वेट एंड वाइट कैप्रिशियस पर, सेम अपने चीक बोन्स पे, अपनी नोज पे, चिन पे। ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप करने लगी वो है लैशेस। लैशेस के लिए मैंने लैश लीज पर लैश ग्लू लगाया, उसको कुछ देर के लिए ड्राई होने दिया, देन उसको आई लैशेज मैंने लगा ली अपनी आई लिड्स पे। मुझे अपनी लिपस्टिक जो थी वो लाइट लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी डार्क पिंक लिपस्टिक लेके अपने लिप्स के बीच में लगा दी, एंड फाइनल लुक जो थी वो कम्प्लीट हो गया। अब मैं कपड़े बदलूँगी अपने, पहले यहाँ पर मैं बालों को खोलूँगी, इनको ब्रश करके जो है नीचे नीचे से कर्ल्स करूँगी। पहले मैं इनको ब्रश करने के बाद एक पौनी में बना लूँगी, पौनी से नीचे नीचे तक जो है वो बालों को कर्ल्स कर लूँगी स्ट्रेटनर के साथ, एंड देन मेरी लुक कंप्लीट। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग की इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें। सो दिस इज़ इट फॉर द फाइनल लुक। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।